अजन सीखेंगे रोड के रूल्स। गाड़ी हमेशा उसी स्पीड पर चलानी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से रोका जा सके। इस किताब में जो कुछ भी लिखा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे ध्यान से, इस तरह गाड़ी चलाएंगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, समझ गई? मिसेस नोहारा। हाँ, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगी? ओ माफ कीजिएगा, मैं तो पहले ही लंच कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं मिसेस नोहारा, आप तो यहाँ रोज ही आती है, हम फिर कभी लंच कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ एक भी क्लास मिस नहीं की है। मुझे अगले हफ्ते भी यहाँ पर आना होगा, मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब लाइसेंस डिपार्टमेंट वालों की गलती है, उन्होंने 10 घंटे क्लास का टाइम और बढ़ा दिया। मुझे तो लाइसेंस जल्दी चाहिए था, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। मैं तो थक गई हूँ। बच्चों, ये रहा हमारा न्यू स्टूडेंट, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो तुम शिनचान से पूछ लेना। ठीक है। मेरे साथ आकर बैठ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बैठ जाओ दोस्त। ओके। क्या तुम पहली बार ही चला रहे हो? तुम्हें पता है कि सबसे पहले क्या करना है? नहीं। पास होना चाहते हो तो ये सब सही से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ये बच्चा तो कितनी जल्दी ड्राइविंग सीख गया, और इसकी माँ को तो देखो कितना टाइम लगा रही है सीखने में। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ आने में काफी वक्त लग गया। अरे आप यहाँ? शिनचैन की ड्राइविंग कितनी अच्छी है और मैं अभी तक नहीं सीख पाई। 3 महीने हो गए मुझे ड्राइविंग सीखते हुए, बहुत सारा खर्चा हो गया ड्राइविंग सीखने में, मेरा तो सारा बजट बिगड़ गया। अब मैं क्या करूँ, पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। अच्छा तो मम, आपको लाइसेंस कब मिलेगा? चुपचाप बैठे रहो, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस महीने अपना लाइसेंस लेकर ही रहूँगी। ठीक है तो मैं तैयार हूँ, क्या हम शुरू करें? तो पहला सवाल, ये क्या है? नो पार्किंग का साइन। ये? इस साइन का मतलब है कि जोन में कोई भी गाड़ी दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती। ये? इसका मतलब सड़क बन रही है। और ये? ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सड़क पर बैठना बिल्कुल मना है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मैम अगर लाइसेंस बनवाना है तो ये सब याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी साइन ड्राइविंग स्कूल में नहीं था, समझे तुम? मैंने एक और साइन बनाया है, और इसका मतलब ये है कि सड़क पर लेटना भी मना है। अब अपना मुंह बंद रखो, समझे? बहुत हो गया। अच्छा चलो एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ये क्या है? आगे है विंडी एरिया। ये? आगे एक स्पीड ब्रेकर है। और ये वाला? हाँ, ऐसा साइन तो मैंने पहली बार देखा है, इस साइन का क्या मतलब है बेटा? ये मैंने बनाया है, बिल्कुल साफ सड़क आपकी गाड़ी चलाने के लिए। अब समझी, ये साइन तुमने खुद बनाया है। शिनचैन तुम क्यों इस तरह नए नए साइन बनाकर मुझे परेशान कर रहे हो? और ये साइन है बच्चों को तंग करने वालों को भालू ले जाएगा। तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मैं समझ गई, मैं ये सारे साइंस घर के अंदर लगा लेती हूँ, इस तरह मुझे ये सारे साइंस याद करने में आसानी हो जाएगी। मेरा दिमाग तो कमाल का है। शिनचैन क्या तुम ये सारे साइंस ले जाकर पूरे घर में जगह जगह लगा दोगे? क्यों मैम? क्योंकि अब मैं कार बनने वाली हूँ बेटा। घर में गंदगी है तो आप ऐसी कार बनिए जो वैक्यूम कर सके। ठीक है, तो अब मैं बनूंगी एक वैक्यूम कार। जल्दी से जाकर सारे घर में साइंस लगा दो। सबसे पहले मैं अपना मिरर ठीक करती हूँ, मैंने सीट बेल्ट भी लगा ली है, तो चलो अब मैं अपनी सेफ ड्राइविंग शुरू करती हूँ। देखो मैं एक एक्सपर्ट ड्राइवर लग रही हूँ ना? मेरी तरह। पीपी, सब लोग साइड हो जाओ, अब आ गई है मेरी स्पोर्ट्स कार। पीपी, धीरे धीरे, यहाँ स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो हमें फाइन भरना होगा। पुलिस तो है नहीं, कौन पकड़ेगा? पीपी, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तो सारे के सारे रूल्स फॉलो करूँगी। क्या ये तुमने मेरी लिपस्टिक से लिखा है? रुको, अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो फाइन भरना पड़ेगा। देखो तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा रुक जाओ शिनचैन, रुक जाओ, सुन रहे हो तुम?
स्लो डाउन बोर्ड तो हाईवेज पर लगा होता है ये बताने के लिए कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लीजिए। अब हमें हॉर्न बजाना है। पीप पीप पॉप पॉप पीप पीप। शिनचैन ये तुम क्या कर रहे हो? ये साइन तो स्टॉप का है, लगता है मुझे अब एकदम रुक जाना चाहिए। हमें रुककर ध्यान से सड़क के दोनों तरफ देख लेना चाहिए और फिर अरे शिनचैन चला गया। मैंने कहा रुक जाओ शिनचैन। अरे इसका मतलब है कि इस सड़क पर कार की एंट्री बिल्कुल मना है। कोई भी वैक्यूम कर इधर ना आए, मैं बाथरूम में हूँ, कार यहाँ पर नहीं आ सकती। हे हे हे। अब मैं कार नहीं फिर से मॉम हूँ शिनचैन। चैन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किससे पूछकर मेरी लिपस्टिक को हाथ लगाया? तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे? आखिर तुम कब सुधरोगे? अब तो मुझे जल्दी ही लाइसेंस मिल जाएगा। क्या हुआ मॉम? मॉम ये बात ठीक नहीं है, आपको ये वाला बोर्ड ध्यान से देखना चाहिए था। अगर आपने ये सब जल्दी नहीं सीखा तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा मॉम।